यहाँ लिखा हुआ है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। अगर हम इसका सम निकालना है एन टर्म्स तक का तो हमें पहले टी एन चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है। तो इस टर्म में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक पैटर्न है कि अगर आपने थर्ड टर्म लिखा तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर पे जाके स्टॉप किया, सेकेंड टर्म क्या लिखा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो इसका जो टी एन होगा वो कितना होगा वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पे जाके स्टॉप होगा। तो हमें इस सीरीज का टी एन मिल गया। टी एन कितना हो गया सीरीज का, टी एन हमारे पास आ गया वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर तक। और ये जो टी एन आया है, ये जो सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है टी एन, इसका सम हमको मालूम है कितना होता है। तो टी एन क्या हो गया एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब टी एन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर लें कि हम सिग्मा टी एन निकाल पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे टी एन वन अपॉन सिक्स बाहर ले लिया, एन स्क्वायर प्लस एन और टू एन प्लस वन यहां पर है। अब इसको फिर से और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आ गया टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर एन अपॉन वन बाई सिक्स है और ये टी एन। तो टी एन क्या हो गया वन बाई सिक्स टू एन क्यूब थ्री एन स्क्वायर प्लस एन, और सिग्मा टी एन कितना हो गया वन बाई सिक्स और टू सिग्मा एन क्यूब थ्री टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन। यहां पर हमें सबकी वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगी सिग्मा टी एन विच इज एस एन, क्या हो गया वन बाई सिक्स टू एन क्यूब क्या होगा एन एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, सॉरी एन क्यूब कितना होगा एन क्यूब क्या होगा सिग्मा एन क्यूब एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर क्या होगा एन एन प्लस वन थ्री टाइम्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और सिग्मा एन क्या होगा ये एक बड़ा ब्रैकेट है बाहर और ये छोटे ब्रैकेट हैं, ठीक है। सिग्मा एन क्या होगा एन एन प्लस वन बाई टू, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो एस एन क्या आ गया वन बाई सिक्स, अब देखो एन एन प्लस वन बाई टू यहां पर क्या आ जाएगा टू, कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया वन बाई सिक्स और यहां पर कॉमन लेंगे एन एन प्लस वन बाई, इसको यहां पर लिखते हैं। देखो ये है एस एन और हमने कॉमन क्या लिया है यहां पर एन एन प्लस वन बाई टू, ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहां पर आ गया टू और एन एन प्लस वन बाई टू, ये एन से पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। अब अगले वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एन एन प्लस वन बाई टू तो कॉमन टू एन प्लस वन, और उसके अगले वाले में क्या आ जाएगा केवल वन। अब ये टू से टू कट गया और सिक्स भी तो है वन बाई सिक्स यहां पर है, तो हमारे पास एस एन कितना आ गया एस एन इज वन बाई ट्वेल्व एन एन प्लस वन वन बाई ट्वेल्व एन एन प्लस वन, और यहां पर क्या होगा एन स्क्वायर एन टू एन प्लस वन। अब इसके क्या हम और फैक्टर कर पाएंगे देखते हैं एन एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्व, और यहाँ क्या आ गया एन स्क्वायर थ्री एन प्लस वन, इसके फैक्टर अब आगे नहीं होंगे तो हमारे पास यही एस एन आ गया।
ये इसका आंसर हो गया।